इंसान की थोड़ी सी चाह उसको कभी कभी बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए तैयार कर ही लेती है। तभी तो आज अपनी यूट्यूब की जिस जर्नी पर मैंने चलना शुरू किया है उन पर कभी ना कभी तो यह सारे मेरे फेवरेट रिव्यूअर भी चले होंगे, जहां उन्होंने भी एक एक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपने चैनल पर कंटिन्यू एपिसोड डाले होंगे, मतलब कि कंटिन्यू वर्क किया होगा। तभी तो जितने सारे सब्सक्राइबर के साथ वह आज जिस पोजिशन पर है वह पोजिशन उन्होंने खुद कमाई है, और साथ ही में मेरे ऐसे फैंस का ढेर सारा प्यार भी उनको मिला है। और अब मैं भी अपने इसी काम को पूरी शिद्दत के साथ रोज करने का प्रयास कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखते हैं अपने सिक्के कब रंग बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट लतीफ रिव्यू पर। आज मैं अपने इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ अपने कुछ फेवरेट रिव्यूअर के बारे में जिनको मोस्टली मैं देखा करता हूँ। उनमें से पहले हैं प्रतीक बोराडे, जिनका सनातनी फॉर्म जो है वो मेरा उनके प्रति हमेशा से आकर्षण का कारण रहा है, और ऊपर से उनके प्रत्येक मूवी के प्रति देखने का समर्पण वो तो भाई अद्भुत अतुलनीय है। न जाने कितने किलोमीटर का सफर तय करके यह मूवी देखने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। और मेरे दूसरे फेवरेट रिव्यूअर हैं अपना BNF टीवी चैनल का बादल। सच में इसके पास मूवी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, वो भी पूरी रिसर्च के साथ। और मैं तो कायल हूँ इसकी वीडियो प्रेजेंटेशन के फॉर्म का, जिसको देखकर आप कतई बोर नहीं हो सकते हैं। और तीसरे मेरे फेवरेट रिव्यूअर रहे हैं हमेशा से, जिनको देखकर ही मैंने खुद को इस कैटेगरी के लिए तैयार किया है, वह है अपने पलट तेरा ध्यान के तरह चैनल के साहिल भाई। इनका चैनल आपको ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न तो नहीं दिखेगा, लेकिन इनकी हर वीडियो पर डिटेल रिसर्च आपको सच में फिल्मी दुनिया के ज्ञान का अमृतपान जरूर करा देगी। लेकिन इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग की वजह से जिस तरह से यह लिखते हैं वह सच में ऐसा लगता है जैसे मानो हम अपने बड़ों से कहानी सुनने के लिए बैठे हैं। सच में मजा आ जाता है, और अब तो कई सारे एपिसोड में भी उनकी इसी थीम पर बनाता जा रहा हूँ। सो प्लीज सपोर्ट अवर चैनल लेट लतीफ रिव्यू, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर आल्सो। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी न्यू मूवी के रिव्यू के साथ या किसी लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।